वेलकम टू हीरो होंडा सारेगामापा सिंगिंग सुपरस्टार स्पॉटलाइट। सुपरस्टार सलमान खान और इस मंच का रिश्ता काफी पुराना है। जब भी वो इस मंच पर आए हैं, जम के मस्ती और धमाल हुआ है। इस बार भी वो आ रहे हैं, फिर धमाल तो होना ही है। अरे यार, तुझे पता है आगे हमारे एपिसोड में कौन आने वाला है? कौन आने वाला है भाई? भाई सलमान भाई आ रहे हैं। सलमान भाई, आपका स्टाइल इतना पसंद है ना मुझे, आप झटके में लड़की पटा लेते हो यार। अपना तो एक ही कमिटमेंट है बाप, पार्टी में सबसे थकेली को पटाने का। फट फट पट भी जाती है, अब प्यार में सदमा भी नहीं देती। अबे सदमे, तू लड़की के पीछे भागेगा, लड़की पैसा लेके भागेगी, और तू पैसे के पीछे भागेगा, लड़की तेरे पीछे भागेगी। क्या कमिटमेंट है भाई। ये वही सलमान खान है जो अपने कपड़े उतार देते थे। जीने के चार दिन वो, बाकी है बेकार दिन वो। जाए 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 जाए, एक बार जो जाए जवानी फिर ना आए। इश, इश, ना इश, आए। इश, जवानी फिर ना आए। सलमान का मुझे एक स्टाइल बहुत अच्छा लगता है, जो उनका एकदम मस्त बिंदास स्टाइल है। Oh God, I don't know कैसे करते हैं, but I just love it. He's very charming, बहुत अच्छे हैं and cute है। और जब भी बात करते हैं मैं तो उनके पर बहुत फिदा हो जाती हूँ। Fantastic! तन 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 तारा, चलती है क्या नौ से बारा, नहीं। बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे शो की शुरुआत ही एक बहुत बड़े स्टार की एंट्री से होती है। दादा से मैंने बोला कि प्लीज़ अच्छा अच्छा मेकअप कीजिए, ताकि सलमान के सामने हम लोग सब अच्छे अच्छे दिखने जाएंगे। सलमान भाई इज कमिंग, तो यानी कि वी गोना हैव अ पार्टी एपिसोड। सलमान भाई इज अ रॉकस्टार, आ जाएंगे, धमाल करेंगे यहाँ। 2007 के सारे गांवों पर जब आए थे, सलमान भाई ने एकदम मतलब तूफान मचा दिया था। ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में, कोई अरे कोई आए जाए मेरे ख्यालों में। आज भी मुझे पूरी आशा है कि वो कमाल कर देंगे। खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे छह यार सारे गावा बाद रेर मेहंदी सलमान। Really looking forward to this episode. I'm really looking forward to meet him. उनका इंतजार कर रहे कि कब वो आए और हम कब उनके सामने परफॉर्मेंस दें। आज मैं मार्ड पेश करने वाला हूँ, मतलब केसरिया बालम। इसकी हिस्ट्री ये है कि जब भी कोई मेहमान हमारे यहाँ आते हैं तो हम उन्हें बुलाते, उनका सत्कार इसी तरह से करते हैं इस मार्ड के द्वारा। आवो सा पधारो मारे देश केसरिया जी बालम सा। इनकी वजह से आज मुझे राजस्थान से और ज्यादा लगाव हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मन को अति भावे संयोग करता था थैया मर गाए रे। जब अस्थाई खत्म किया अंतरा पकड़ने से पहले, वो खुद आके मेरे साथ डांस किया और सभी मेंटर्स ने आके मेरे साथ डांस किया। ओ बे 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 सोमा तुझको तन मन मन को अति भावे मन को अति भावे सैया करता था थैया मर गाए रे। आज सलमान भाई के साथ बहुत मज़ा आया, उन्होंने मेरा रोज़ा खुलवाया और मैंने उन्हें गिफ्ट किया एक मुसल्ला जिसके ऊपर नमाज पढ़ी जाती है। अगर आप पाकिस्तान में ये शो देख रहे हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया अमी अबू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये मोमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद ये मोमेंट लाइफ में फिर कभी ना आए। लूट ले तू खोया है कहां, ओ जेबों में तू भर ले आजमा। इनका जो एटीट्यूड है सर, नहीं गाने में
बहुत ही कूल है। एज अ एक्टर तो अच्छे हैं, एज अ पर्सन वो उससे भी ज्यादा अच्छे हैं। उन्हें मैंने कहा दुनिया ने जिसे अपने कंधों पे उठाया मैं उसे अपने कंधों पे उठाना चाहूंगा सर। वाह भैया, अरे वाह। उन्होंने मतलब एक बार भी मुझे ना नहीं की, वो मेरे कंधों पे चढ़ गए और माशाल्लाह हमने उठा लिया उन्हें और पूरे स्टेज पे घूमे। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट था जब हरनू उनको अपने कंधे पे उठा के घूम रहा था, तो उनसे ज्यादा हमारे जो को कंटेस्टेंट थे उनकी जो मस्ती थी वो देखने लायक थी। मुझे कंटेस्टेंट बहुत अच्छे लगे। तो मैंने ये नोटिस किया कि जब एक शख्स गा रहा था तो बाकी के उसको कोरस दे रहे थे। इससे अच्छा कमराडरी, इससे अच्छी टीम स्पिरिट हो नहीं सकती। और हालांकि घराने अलग अलग लगे लेकिन सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, विच इज द बेस्ट थिंग एवर।